हेलो एवरीवन, खमागणी, गुड मॉर्निंग। हम लोग हो गए हैं रेडी बिल्कुल। देखो, मित्तू भी नहा लिया, मैं भी नहा ली। हम लोग 7:30 बजे उठ गए थे क्योंकि हमने आज प्लान किया रात को बैठ करके कि हम लोग जा रहे हैं शिमला। हाँ, तो शिमला और कुफरी में हम लोग करेंगे स्टे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जस्ट, मेरे को लगा कम्फर्टेबल थोड़ा सा रहेगा तो शर्ट ही डाल दिया था आज। और कम्फर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि शायद शर्ट बेटर ऑप्शन है। दूसरी बात है, कुणाल ने बड़ा मस्त वाला यार ये पहना है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। बताया ये पेपे से लिया था, कहाँ से लिया था? हाँ, ये उससे लिया था। और क्या गजब है ना ये, इसका टी शर्ट जो है वो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल है, मतलब कभी कभी मैं भी पहन सकती हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा कल का ब्लॉग देखना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे, क्या क्या, तो उसके लिए मैंने जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने वीडियो का लिंक डाला है जो कि डे वन का लिंक है, तो उसे जाकर के जरूर जरूर देख लें। दूसरी बात, हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग डालेंगे मिनी ब्लॉग, तो वहां जाकर के भी हमें फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप और इंटरेस्टेड, कुछ ट्रैवल वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं। और मैं लेकर चलूंगी आप लोगों को बेस्ट एक आइटनरी के अंदर, जो कि मैंने बनाई नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए एक ऐसी आइटनरी मैं बना रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट आइटनरी रहेगी 5 to 6 days की, फ्रॉम जयपुर टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बस अब हम लोग थोड़ी सी देर, मैंने कुणाल को बोला, मैंने कहा यार गाड़ी थोड़ी बहुत दूर तुम चला लो, फिर मैं चला लूँगी। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा था कि होटल का 8 o'clock तक तो स्टाफ आता है, फिर वो कुछ कल का होगा तो वही खिलाएंगे हमें, तो मैंने नहीं किया। अभी हम लोग कहीं फ्रेश जगह रुकेंगे और वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स लेंगे या तो, या फिर हम लोग हो सकते। तो आज की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है हमारी 8:40 पर। आज है 19 तारीख और हम लोग बस सामान रखवा रहे हैं कुणाल और फिर हम लोग निकल जाएंगे ना। अभी मित्तू ने बोला था ये है छोटा हाथी, पापा है मीडियम हाथी और मैं हूँ बड़ा हाथी, जंबो हाथी मैं हूँ है ना बेटा। तो फिलहाल तो कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कुणाल ड्राइव क्योंकि मैं पूरी वहां से पाटन से लेकर के और शिमला तक, मतलब यहाँ तक मैं ही लेकर आई थी कल। तो कुणाल ने बोला थोड़ी देर तो मैं ही चला लेता हूँ यार, तो मैंने कहा चला लो यार तुम चला लो, फिर थोड़ी देर बाद में ये चला लेगा, फिर थोड़ी देर बाद में शिमला मैं सोच रही हूँ मित्तू चला ले यार, क्योंकि मित्तू क्या है वो गेम खेल 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 के एक्सपर्ट हो गया है गाड़ी चलाने। तो जी यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा शिमला और ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, और ये तो आप लोग दिख ही रहे होंगे अच्छे से, तो ये यहाँ का नज़ारा जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है और बेहद खूबसूरत रहेगा मेरा ये वाला सफ़र शायद आज का। और हम लोग स्टे कहाँ करेंगे वो हमें एक्चुअली आइडिया नहीं है, हो सकता है हम लोग स्टे आज कुफरी में करें, तो देखते हैं अभी तो फिलहाल कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है और कितना कवर हम लोग आज कर पाते हैं लगा ले। तो देखो ऐसे पहाड़ों पे घर हो यार, मजा आ जाए ना, तो इतने प्यारे लगते हैं ये पहाड़ों पे घर। आगे है पहाड़ों की तरह थोड़ा ऊंचा और यहाँ पर देखो रोड ऐसी बर 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 बर। हम लोगों ने आलू प्याज के पराठे ऑर्डर किए हैं 3, फिर हम लोग लंच भी लेना है। तो ब्रेकफास्ट में एक्चुअली मित्तू को देखते हुए घुमाओ बहुत ज़्यादा थे और भूख लगने लगी थी, तो इसीलिए हम लोग बस अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। बीच में यहाँ से 40-45 किलोमीटर होगा शायद शिमला, शिमला 40 से 41 किलोमीटर शिमला है। तो बस हम लोग अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद है यहाँ पर एक इको पॉइंट, हमें नहीं पता कि इको पॉइंट है, मतलब यहाँ पे साउंड जो है वो दोबारा से आता है। और ये है सुंदर सुंदर सी यहाँ की सड़कें और रोडें, तो मेरे को ऐसा लगता है पता है पहाड़ जो है ना वो अपने आप में बहुत स्पेशल तो होते ही हैं। तो मित्तू जो है वो सो रहा है गाड़ी में, मैं उसको उठाऊंगी नहीं, और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल आप लोगों को एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक व्यू दिखाने, इको पॉइंट, ठीक है। ये सुन लिया था कि मित्तू सो रहा है, मैं इसे उठाऊंगी नहीं, इसलिए ये उठ के आ गया। देखो वो करना चिड़िया वाली आवाज, इको साउंड है यार, वहां तक जा रही आवाज। वाओ, बड़ा प्यारा नजारा है शिमला का, मतलब खूबसूरती तो है यार सच में, क्यों है ना मित्तू।
खूबसूरती तो है यार, मुझे भी ले ले यार वीडियो के अंदर। खूबसूरती तो है भाई, मस्त है जगह एकदम चकाचक रचिक वाला आइटम। उन दोनों भी कुछ आवाज लगाएंगे, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, टिंकल 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 टिंकल। मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मेरा लो मम्मा, ट्विंकल मम्मा, मम्मा, ओ मम्मा आई है भाई, मम्मा आई है आवाज में। तो ये इको पॉइंट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर है। अभी हम लोगों ने ना एक लोकल गाइड यहाँ पे ले लिया था कि हमको लगा कि शॉर्टकट्स होते हैं तो वो इजीली बता पाते हैं और हम ड्राइविंग भी हो जाती है साथ में। तो इसीलिए मैंने, ये है निट्टू ठाकुर भैया, इनको हमने कर दिया बुक आज के लिए पूरे दिन के लिए। तो ये आज हमें कुफरी घुमाएंगे और बाकी देखते हैं इवनिंग तक, अगर हमें ये शाम को वापस लेके आते तो हम लेके आएंगे। तो अभी फिलहाल मैं अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ रही हूँ और इनको दे रही हूँ। मेरे साथ में है नट्टी भैया और नट्टी ठाकुर नाम है इनका, हमारे साथ आज रहेंगे। और ये है ये दोनों, इनको मैंने पीछे बटाया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर पीछे। मैं तो पूरे रास्ते पीछे ही बैठ के आया था। अरे मैं आगे बैठा दूंगी, तो काई को नाराज हो रहा है। और हम लोग आए हैं पेट्रोल, तो हम लोग आ चुके हैं फिलहाल सिजौली। और सिजौली जो है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, जो फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने जिसको शिमला बनाया था वो एक्चुअली यही एरिया था। यहाँ पे ब्रिटिश बहुत सारी इमारतें हैं और बहुत सारे घर जो है वो ब्रिटिश बनाए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ब्यूटीफुल है ये। देखो ये है वो सिटी, ओल्ड शिमला भी कह सकते हो उसको, है ना, है ना भैया जी। और वैसे इसका नाम है सिंजौली, ठीक है। तो काफी सुंदर लगा है और यहाँ पे बहुत सारी स्कूल्स हैं। और भैया ने मुझे अभी बताया कि रणछोड़ दास झांझड़ जो था, जो थ्री इडियट्स था, उसमें जो बच्चे का स्कूल था रणछोड़ दास स्कूल का नाम रख दिया गया है और वो भी यही है। बनवाई थी उन्होंने एक्चुअली, बनाई तो बनाने का सारा काम तो अपन ही करते थे, सही बात है। और ये है यहाँ का लोकल मार्केट, देखो यहाँ रजाइया, गद्दे और 40 रुपए बर्गर। खाली पत्थर ईंटों का इस्तेमाल किया। अच्छा ये तो है न्यू वाला टनल और ये है पुराना वाला जिससे अपन चल रहे हैं, है ना। इसमें ईंटों का यूज है मोस्टली। तो अभी हम लोग आए हैं जहाँ पे गदर मूवी की शूटिंग हुई थी और जहाँ पे ये हुआ था, मैं वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाया। यार ये वैली है ना, इसका व्यू तो फैंटास्टिक है ही, बहुत ही सुंदर सा व्यू है और बहुत ही प्यारा व्यू है। फिलहाल यहाँ का जो ट्रैफिक है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं अपनी वीडियोस एंड वो बना के आ चुकी हूँ। वैसे इसको ग्रीन वैली सही कहते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी वैली जो है ना ये ग्रीन कलर की है, तो इसीलिए इसको ग्रीन वैली कहते हैं। बहुत ही सुंदर और फैंटास्टिक सी है। तो भाई ये है यहाँ की जो गाय होती है ना वो होती है ये वाली। एक घंटा आने जाने में लगता है, बाकी वहाँ पे एक घंटा ट्रे आपने रुकना है, दो घंटा तीन घंटा, वो आपकी चॉइस है। और ये भी सेम है। फिलहाल मैं बताती हूँ हम लोग आए हैं यहाँ पर एडवेंचर के लिए, ये वाला कुफरी के अंदर, ठीक है। और कुफरी में यहाँ पे बहुत सारे ये जो है आर्टिफिशियल स्नो है सारी, उनके साथ में कुछ एडवेंचर्स हैं जो कि बच्चों के काम की चीज़ है। उसी के साथ में यहाँ के जो टिकट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें तीन तरीके की चीज़ें हैं जिनमें, ये मैं आप दिखा देती हूँ आपको। गोल्ड कुफरी के लिए घोड़ा जाएगा, न्यू ये पॉइंट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट अगर कंप्लीट करवाते हैं तो 1000 रुपीज़ है। उसके बाद इसका इन तीनों का करवाते हैं तो 15, ये जो है ये होगा घोड़े से और ये वाला जो है ये एप्पल फॉर्म का है, ठीक है। ये पूरा करवाते तो 15 का है और एक पांच हमने सिर्फ ये करवाया। यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी है और मित्तू कह रहा है एडवेंचर करने के लिए, मैं इसको मना कर रही हूँ। हम लोग आ गए इन भैया के साथ में और ये घुमाएंगे हमको न्यू कुफरी ऊपर, है ना। और हम लोग आ गए तीनों जिप्सी के अंदर और अभी हम ऊपर जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको कि ऊपर क्या क्या है। जगह तो है सुंदर, बहुत सुंदर, क्यों वाह। अच्छा
ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ शिप्पा टेम्पल की, यहाँ पर है लोकल फ्रूट है, यहाँ पर लोकल फ्रूट है यहाँ के सारे, मीठा होगा खाने के। व्यू तो है भाई, बहुत सुंदर व्यू है ये। और हम लोगों ने ली थी ये शक्कर पारी, क्या था राम जाने, टेस्टी तो है और चरमरी है बहुत ही। ये व्यू है, नहीं खा लो। ये भैया बना रहे हैं चाय, ये है मंकीज यहाँ के, इनको खुद को ही खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। देखो साइड से निकल जाए, वहाँ हल्का सा ट्रैकिंग है, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी सी ट्रैकिंग है यहाँ पे। यार थकावट हो गई भयंकर वाली, और अभी ऊपर है काफ़ी, फिलहाल थक गए हम लोग। फाइनली हम पहुँच गए इस मंदिर में, महाकाली का मंदिर है ये, और फिलहाल हम लोग आज यहाँ आ गए। तो ये जो थे ये कुफरी घुमा रहे हैं डॉग को भी। लोगों ने सोचा कि जब हम वो मंदिर देख ही रहे इतना प्यारा सा सुंदर सा, तो क्यों ना ये एक जो रोड जा रहा है इसको भी हम एक्सप्लोर कर लें कि यहाँ पर भी क्या क्या है। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ है ये, लेकिन मुझे लगता है अभी तो पता है 2 मिनट पहले यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे बारिश होती रहती है, 2 मिनट पहले बारिश थी, बादल था, अभी शांति है। बहुत ज़्यादा लंबा है नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक जा रहा, उधर जा रहा, वैसे जा रहा है, मज़ा आया। कितनी प्यारी है ये। हेलो, हाल नीचे उतर के हम लोग पी रहे हैं चाय, मित्तू चाय बिस्किट, और मैं भी पी रही हूँ चाय। तो उसके बाद देखते हैं, हम लोगों को एक पॉइंट और है उधर, वो कंप्लीट करना है ज़्यादा टाइम, फिर हम लोगों को फोटोशूट वाला जो था वो कंप्लीट करना है, कपड़े कपड़े पहनवा के करवा, और वहाँ हम लोग ऊपर जाके आ चुके हैं। अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज है ना इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसी वजह से। ये है आलू अनुसंधान, मतलब आलू का है ना, यहाँ पे होती है फार्मिंग। देखो आप आलू की फार्मिंग, ये पूरे जो खेत है ना ये आलू की फार्मिंग वाले खेत है। देखो सीढ़ी नुमा खेती बोला जाता है इसको, समझ गए भी तुम्हारा। हाल है वहाँ पर, चाचा जी आ रहे हैं हमें ले जाने आज, हमको अब हमको चाचा जी लेके जाएंगे। और मजा आया ना मित्तू, सच में आज जगह तो थी शानदार। देखो जो भी था जगह शानदार थी, ऊपर मजा आया हमको, वहां पर व्यू भी बहुत अच्छा था, कम से कम 5-6 हमने व्यू पॉइंट देखे। तो अगर आपको आना हो तो आप हमसे, आपको हम 1000 रुपीज थोड़े ज्यादा है हालांकि, लेकिन हाँ ठीक है, वर्थ तो है। 1000 के अकॉर्डिंग 11,000 फुट की ऊंचाई पर है ये, ऑफ रोड भी है नीचे, फिर आपको जी चले चलो चले जी चाचा जी चलो जी। एक बार फिर से बंद करके लॉक चेक करते हो आप, है ना, आगे और हम दोनों बैठेंगे पीछे। हो रही है भाई यहाँ पर, फुल ऑफ रोडिंग है, मतलब किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। बाय, फिर आएंगे तो मिले। ये हालत हो रही है अभी बाहर की बिकॉज ऑफ यहाँ पर ट्रैफिक तो है ही, और उसके अलावा एक और चीज हुई है कि अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, उसकी वजह से थोड़ी सी अफरा तफरी मची गई है। जो भी स्कूटी वाले थे वो सब खड़े हैं, और हम लोग जो मॉल रोड जाने वाले थे, तो हम लोगों का अभी ये हो गया है कि हम मॉर्निंग में चल जाएंगे या फिर जब बारिश रुक जाएगी तब रात को चले जाएंगे, बिकॉज मॉल रोड जो है वो काफी देर तक खुला ही रहता है, मतलब नाइट में लेट तक रहता है भैया, है ना, 10 बजे तक रहता है। तो हम लोग चले जाएंगे वापस, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, जो हमने एयरबिन से हमने जो हमारी होटल होम स्टे लिया था हम लोग फिलहाल वहां जा रहे हैं।
यहाँ पे था एक पवन पकोड़े वाला, मतलब दिखेगा तो नहीं आपको ढंग से, तो यहाँ पे पीछे कुणाल को मैंने बोला, मैंने कहा कुछ जलेबी कचौरी जो भी समोसा जो कुछ भी मिले सब ले आओ, सब लेके आ गया कुणाल, है ना कुणाल। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को हमारी जो प्रॉपर्टी है वो, तो ये हमारा एक छोटी सी लॉबी है, ये हमारा एक छोटा सा किचन है और ये हमारा रूम है। इसमें कुणाल आके सो गए और हमें जो लोकेशन दी थी ना वो पकोड़े वाले के पास की दी थी। तो पता है आप लोगों को फ्रीज वगैरह सब कुछ है, मतलब आपको ओवन मिलेगा, आपको आरओ मिलेगा, आपको गैस मिलेगा, खाना बना के मतलब आप खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत अच्छी कटलरी, जैसे पूरी बॉन चाइना की जो कटलरी होती है ना वो पूरी कटलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सॉसेस आपको सारी चीज़ें मतलब पूरा ग्लासेस सब कुछ आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो फ्रीज है जैसे, ठीक है, तो ये पूरा फ्रीज मिल जाएगा, तो ऐसे पूरा हर चीज़ मैनेज है। लेकिन हम लोग पता है क्या किया था, बालकनी भी है इसके अंदर साइड यहाँ पर, तो हमने क्या किया था कि हमने ना पकोड़े वाले से पकोड़े ले लिए थे, तो हम लोग अभी फ़िलहाल इनको खाएंगे क्योंकि बारिश बाहर हो रही है तगड़ी वाली। देखो अब कैसे दिखाऊँ आपको, ऐसे देख लो आप लोग, देखो जलेबी आ गई थी, मोमोज आ गए, समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, बारिश का फुल जुगाड़ हो गया कुणाल, है ना, मस्त वाला। और ये प्रॉपर्टी देख के मज़ा आया, अच्छी है पार्किंग।